हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रक्षा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। गाइस, होली का त्यौहार था और इस बार होली में राम मंदिर अयोध्या शामिल ना हो ये हो ही नहीं सकता। वीडियो का जो टाइटल है वो है 500 साल बाद अयोध्या राम मंदिर में मनाई गई अनोखी होली, जिसको देख 57 मुस्लिम देश बेहरान हो गए हैं कि भाई ये हुआ क्या, किस लेवल की होली मनाई गई है। तो पहले देखते हैं, मतलब 500 साल के इंतजार के बाद अभी अयोध्या वालों ने बहुत हैवी लेवल पे लगता है होली इस बार मनाई है। क्योंकि भाई इस बार मतलब वो हो गया है, 500 साल राम मंदिर 500 साल बाद मतलब फाइनली ओपन हुआ है, तो उसके लिए झूम कर खुशियां मनाई होंगी भाई, लाखों लोग होंगे। उसके ऊपर प्रॉपर हम एक न्यूज लेकर आए, देखते हैं क्या कुछ, कैसे, किस तरीके से अयोध्या में होली मनाई गई है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। और जब भी बात होली की होती है तो जहन में मथुरा और वृंदावन की होली सबसे पहले नजर आती है, लेकिन पहली बार अयोध्या की होली की चर्चा हो रही है। सरयू तट पर होली के हुड़दंग है, राम भक्त अपने आराध्य के रंग में मतवाले होकर जमकर झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। अभी वीडियो देखो गाइस, मंदिर के अंदर है शायद। हाँ, ये देख, ये वो हनुमान जी के मंदिर लोग पहुंचे हैं। 500 साल बाद अयोध्या में रामलला की अनोखी होली। होली पर रामलला के लिए 56 भोग। अयोध्या में मन रही त्रेता युग वाली होली। सियावर रामचंद्र की जय। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सियाराम की होली। ये दूसरा उसके बाद सबसे बड़ा। इस बार राम मंदिर का होली का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को हुए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से भी बड़ा हुआ है। पूरी अयोध्या रंग और गुलाल से सराबोर है, हर तरफ जय श्री राम और होली की गूंज है। क्योंकि इस बार की होली सबसे खास है, हर तरफ गुलाल में नहाए राम लला के फूलों का हुजूम और हर तरफ श्री राम का जयकारा हो रहा है। होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, फाग की ऐसी धुन इन दिनों अयोध्या के मठ मंदिरों में सुनाई दे रही है। बहुत अच्छी होली लगी यहाँ की, बजरंगबली ने अपना आशीर्वाद दिया, हम सब बहुत धन्य हैं। हमें रंग दिया पूरा हनुमान जी, हमें तो बस ये पता थी भगवान कृष्ण की होली का ही पता था, लेकिन हनुमान जी का अयोध्या नगरी में भी होली का आनंद बहुत आया, बहुत ज्यादा रहा। जय सियाराम। अब तक आपने मथुरा वृंदावन की होली देखी है, लेकिन पहली बार अयोध्या की होली की चर्चा हो रही है। सरयू के तट पर होली का हुड़दंग है और राम भक्त अपने आराध्य के रंग में मतवाले होकर नाच रहे हैं। करीब 495 साल बाद रामलला अयोध्या में पधारे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली होली जो है, इसलिए इस बार अयोध्या का रंग अनोखा है। साल बाद रामलला की होली भव्य महल में हो रही है। भव्य महल में रामलला की पहली होली को लेकर संत, धर्माचार्यों और भक्तों में खासा उल्लास, राम नगरी में उत्सव और परंपराओं की रौनक भी लौटी है। इसका नजारा इस बार होली पर दिखने जा रहा है। पहली बार अयोध्या में ऐसा हो रहा है, पहली बार अयोध्या में। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मतलब ये त्योहार जो है, मतलब कृष्ण जी की वजह से मथुरा और वृंदावन में सबसे बड़े लेवल पर मनाया जाता है, क्योंकि मतलब ये त्योहार कृष्ण जी से मतलब रिलेटेड है ना। आज हमने, अच्छा, आज लेकिन आज देखो अयोध्या में किस लेवल पे, मतलब पहली बार कहते हैं लोगों को
चर्चे मतलब जो जो पहले वृंदावन और मथुरा के होते थे बिल्कुल वो चर्चे फीके पड़ गए आज अयोध्या के चर्चे मतलब यार खुद सोचो डेली लाखों लोग जाते हैं लाखों लोगों ने होली खेली है लाखों लोगों इस बात से अंदाजा लगाओ लाखों लोगों ने 1, 2,000 नहीं, 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, 1,00,000 नहीं 3-3, 4-4, 5-5 लाख लोगों ने होली खेली है और आज इस होली का भाई, लेवल क्या होगा आप भाई रास्ते को सारी सर नजर आ सारी सर जितने तक नजर दौड़ाओ लोग ही लोग कितने ज्यादा यार मतलब वाकई यार ये 500 साल का इंतजार था और 500 साल के इंतजार का जो है ना वो फल मिला है और 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में पहले भी मनाई जाती थी लेकिन इस लेवल पे नहीं कहते सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए देखो प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली होली है ये और वो इस तरह की कहते हैं कि इसके सामने प्राण प्रतिष्ठा भी हल्की पड़ जाए ऐसी मनाई इतने ज्यादा जो हमने वो देखा है भाई लोग वो आ रहे हैं उनके ऊपर फेंके जा रहे हैं कलर नीचे लोग नजर नहीं आ रहे थे सिर्फ कलर ही कलर ऊपर नजर आता इतने ज्यादा मतलब कलर फेंक रहे हैं अयोध्या में डेली कितना लोग जा रहे हैं भाई अयोध्या में कहते हैं जब स्टार्ट में 10-12 लाख लोग थे लेकिन अब भी डेली 5 लाख से ज्यादा लोग कुछ लोग जो विरोध करते थे ना राम मंदिर का कि क्यों इतना खर्चा करना उनको अभी समझ आ रही है कि राम मंदिर जब से आया अयोध्या के लोग सुपर डुपर रिच हो गए उधर के लोग इतनी कमाई कर रहे हैं वो इतने उधर लोगों की तो सेवा भी कर रहे हैं साथ में उनके मतलब बिजनेस भी चमक पड़े हैं बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट है उधर जा रही है अयोध्या फुल ट्रांसफॉर्म हो गया इस टाइम भाई अभी 5 साल बाद अयोध्या को आप सीरियसली पहचान भी नहीं पाओगे इतना डेवलप्ड हो जाएगा और अभी से यार हर चीज उधर पहुंच चुकी है और यार होली किस लेवल पे मनाई जा रही है देखो देख लो होली का लेवल ही अलग है और जिस तरीके से मनाई गई है उधर मतलब लॉर्ड हनुमान के मतलब उधर वो जो मंदिर थे उधर पे भी कलर चल रहे थे कहते हैं पहले उधर जाते हैं और लोग नंगे पांव जाता है भाई सारा वो सारे वो जो अयोध्या में लोग मोस्टली लोग नंगे पांव चलते हैं और यार सारे मतलब नारे लगा रहे थे किस किसने कहां पर होली मनाई और किसने अयोध्या में होली मनाई अयोध्या वाले सिर्फ आज बताओ यार अयोध्या जाके अयोध्या से कौन है मतलब उधर उधर आपने होली मनाई है प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ये तो हमने झलके ही देखी है और हमारे होश उड़ गए भाई यार खुद सोचो कितने कितने लोगों ने किस तरीके से होली मनाई होगी यार मजा आ गया देखा इस तरह का हमारा पहली दफा यार हमने देखा पहला एक्सपीरियंस हमने आज सुबह एक वीडियो देखी हमने हम समझे ये सबसे बड़ा वो क्या था वो जो यार उस जगह का क्या नाम था सुबह हमने डाली थी पुष्कर पुष्कर में पुष्कर। वो होली थी हमने समझे वो बड़ी है लेकिन अयोध्या वाली को देख अयोध्या वाली तो मैं कहता हूँ लाखों लोग हैं लाखों लोग हजारों लाखों लोग सही बात है यार तो आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे आप क्या सोचते हैं कैसी लगी कैसे होली मनाई क्या क्या किया सब बताना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।